हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं अंतिम प्रहार सीरीज का। 12 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी टीम ने तैयार करे हैं कि जो करंट ट्रेंड में हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हिट होने की प्रोबेबिलिटी, और अब तक आपने देखा है कि अच्छे खासे क्वेश्चन 80-90% अपने क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में हिट होते हुए आए, इस बार भी मेरी यही आशा है। लेकिन डिटेल वीडियोज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अपलोडेड हैं, आप वो भी जरूर देखिएगा ताकि कहीं पे आपको कोई डाउट ना रहे, कहीं पे आपको कोई क्वेरी ना रहे। तो जल्दी से 7वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, वैसे तो एक बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको इसको फ्रैक्शन में तोड़ता हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन का एक कंसेप्ट क्लियर हो कि क्वेश्चन में पूछने क्या वाला है। यह पूछ रहा है आपसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। अब यह बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब इकोनॉमी के अंदर जो बायर होता है, इकोनॉमी के अंदर जो बायर होता है वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर लेता है फॉर बाइंग पर्पस से। किस पर्पस से? बाइंग पर्पस से एक उसका बिहेवियर होता है। अब ये बिहेवियर कैसे डेवलप होगा? मेरा दोस्त मुझे बोलेगा कि आनंद ये चीज़ मार्केट में नहीं आई है, जल्दी से ले आओ। एक मार्केट में कोई ट्रेंड मुझे देखने को मिलेगा, एक मेरी पर्टिकुलर कोई चॉइस होगी, एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, एक मैं मेरे पड़ोसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं हम, एक हमारे को कोई फ्रेंड सजेस्ट कर रहा है, कोई फैमिली से कुछ कह रहा है, तो उससे क्या हमारा एक बिहेवियर जनरेट होता है कि जो हमको क्या डिसीजन में हेल्प करता है, बाइंग के डिसीजन में हेल्प करता है। इसी बाइंग के डिसीजन की स्टडी को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स स्टडी कहते हैं। कौन सी स्टडी को? जो बाइंग पर्पस के से अपन जो स्टडी कर रहे हैं कि बायर के बाइंग पर्पस की जो स्टडी हो रही है बिहेवियर के काइंड ऑफ में, वो ही बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। फिर से बड़े आसान लैंग्वेज से समझाता हूँ, एक बार बुक का भी देख लेते हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ पीपल मेक डिसीजन एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर चॉइस। लोग कैसे डिसीजन लेते हैं बाइंग करने का और उनकी चॉइस को कौन कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब करते हैं या अफेक्ट करते हैं, इस तरीके से। जैसे कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि टाटा नैनो में क्या था, उन्होंने बोला कि लखटकिया कार है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि अरे मैं ले लूँगा तो गरीबों की कार लगेगी, मेरे को गरीबों की कार। उसका प्रमोशन क्या हो गया कि गरीबों के लिए, तो कोई भी एक आदमी जो कार खरीदने जा रहा था वो अल्टो लेना ज़्यादा पसंद कर रहा था, टाटा नैनो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था अरे नैनो लाऊंगा तो ये तो कहते हैं गरीबों की कार है ना। एक प्राइड, जो रिच की फीलिंग होती है, वो उसके अंदर से एब्सेंस हो रही थी। तो इसी की स्टडी को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की स्टडी कहते हैं कि हाउ द पीपल मेक देयर डिसीजन फॉर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड विच फैक्टर्स आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग अ थिंग और नेगेटिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट बाइंग अ पर्टिकुलर थिंग। क्लियर हो गया है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है उनका, किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आज में बन रहा है, एक तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का मीनिंग कॉन्सेप्ट आर्टिकल अच्छे से याद करके जाना, इसके बाद इथिकल कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं। जैसे कि आज इथिकल कॉन्सेप्ट में क्या कह रहे हैं शाहरुख खान साहब बैठ के पी रहे हैं कि बिरयानी के साथ तो कोको कोला ही जमती है ये बात करे जा रहे हैं। कोको कोला तो हम डायरेक्ट बोतल से ही पियेंगे, तो क्या है, तूफानों से दोस्ती करनी है तो थम्स अप पियो, मतलब कि इस तरीके से ह्यूमर फैलाया जा रहा है। तो इट इज़ अ गुड और बैड। आज विमल का ऐड किया जा रहा है कि दाना दाना एक समान वो उजवा केसरी मत खाना है ना, मैं अभी मना कर रहा हूँ, मत 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 बिल्कुल ना, क्यों, बहुत बहुत सीवियर इसके डैमेजेस होते हैं, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर इथिकल कंसर्न आ रहा है, यहाँ पर मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है। तो इथिकल कंसर्न क्यों, क्योंकि जब देख रहा है कि कोई शाहरुख खान उसको खा रहा है, अक्षय कुमार जी खा रहे हैं, अजय देवगन खा रहे हैं, तो बंदा क्या सोचता है कि जब इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार खा रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा, वो वास्तव में नहीं खा रहे होते हैं। आप कभी भी किसी भी टीवी शो रियलिटी में देखना, कहीं पे विमल खाते हुए नहीं मिलेंगे कि गैया भैया विमल खा लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देयर इज अ प्रमोशनल मैसेज। तो यहाँ पर इथिकल कंसेप्ट अलग रखे गए, वो खुद नहीं खा रहे लेकिन वो प्रमोट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं कि उन्होंने कभी भी टबेको चीज की अल्कोहल को प्रमोशन नहीं किया, भले ही कितने रुपए उनको मिल सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो हमको इस बात का हमेशा प्रेज भी करना चाहिए, ठीक है। तो इथिकल कंसेप्ट यहीं पर मेन रोल प्ले कर रहे हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमिक में इथिकल कंसेप्ट क्या है, यानी कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आप कौन सी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं। तो इसमें पहला क्या है, मैनिपुलेशन ना हो, यानी कि जो चीज़ है उसको ऐसा ही बताया जाए। जैसे कैडबरी के चॉकलेट में इफ़ यू वॉन्ट टू गिव लव समवन गिव द चॉकलेट, आप उसको चॉकलेट दीजिए। आप प्यार करते हैं तो चॉकलेट दीजिए, प्यार नहीं करते तो चॉकलेट मत दीजिए। केयर करते हैं तो चॉकलेट दीजिए, केयर नहीं करते तो चॉकलेट मत दीजिए, इस तरीके की बातें करी जा रही, जबकि प्रोडक्ट की क्वालिटी, टेस्ट के बारे में, प्राइस के बारे में कहीं पर कोई बात नहीं।
मैनिपुलेशन, ठीक है, ये न किया जाए, ठीक है, ये यहाँ पर सारे पॉइंट जो लिखे हैं वो न किए जाए। प्राइवेसी है ना, किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच न करी जाए, तोड़ी न जाए, ठीक है, है ना। पेरेंटलिज्म अब क्या है कि यहाँ पर अब कह दिया जाए कि एक सेकेंड, हाँ, इंटरप्रेटिंग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द जजमेंट व्हाट इज द बेस्ट फॉर यूज देम, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द पर्सनल ऑटोनॉमी। ये बहुत से पेरेंट्स की बात में करी गई है कि इथिकल कंसेप्ट में क्या है कि आजकल बच्चे के ऊपर इतना फोकस प्रेशर कर देते हैं पेरेंट्स, ठीक है। मतलब मेरे पास ही जब भी काउंसलिंग हमारी होती है, जब भी मैं काउंसलिंग करता हूँ बेसिकली, तो मेरे को 70-80% स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो करना कुछ और चाहते थे लाइफ के अंदर और कर कुछ और रहे, ठीक है। ये आपके साथ भी होगा, एक बार सोच के जरा अगर कमेंट कर सके, कंफर्टेबल हो तो ज़रूर बताइएगा कि करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहा है। मान लीजिए आप MBA करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले आपका BBA करने का टारगेट था, या BCom करने का टारगेट था, या सिंगर बनने का टारगेट था, या आप BBA HR की जगह मार्केटिंग में करना चाहते थे, या आप कुछ और कोर्स करना चाहते थे, या आप लाइफ के अंदर कुछ और प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन आजकल आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कैप्चर कर ली जाती है, नहीं आपके लिए यही बढ़िया है, आपको ये वाली बाइक नहीं ये वाली बाइक चाहिए, आपको ये कलर नहीं ये कलर के कपड़े पहनने, आपको ऐसे नहीं ऐसे रहना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक वंशानुगत बात हो गई। यहाँ पर केवल पेरेंट्स की बात नहीं है, सोसाइटी भी कंसर्न करती है। अभी कुछ दिनों पहले 10th का रिजल्ट आया है, आप सबको पता है ना, इतना ह्यूज प्रेशर क्रिएट कर दिया गया 10th के बच्चों के ऊपर कि कम से कम 50 जने उनको फ़ोन करके पूछ रहे हैं, बेटा रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। अब लेना देना एक कोच नहीं कि बच्चे का रिजल्ट क्या आया, अब वो बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ने वाला 12-13 साल की उम्र का बच्चा क्या मेंटल साइकोलॉजी प्रेशर से गुजर रहा है, कहाँ हम हमारे एजुकेशन को ले जा रहे हैं। तो ये इथिकल कंसेप्ट में आपको ये पॉइंट्स आप लिखें एग्जाम के अंदर, यकीन मानिए जब भी एग्जामिनर आपका रियल टाइम के एग्जाम्पल देखता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी ब्रीच नहीं होना चाहिए, पेरेंटलिज्म नहीं आना चाहिए कि जो आपको सही लगता है हो सकता है वो दूसरे के लिए गलत हो, ठीक है। इक्विटी एंड फेयरनेस, सबको समान मौका मिलना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर इक्विटी एंड फेयरनेस, ऐसा नहीं हो किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें कास्ट रिजर्वेशन के सिस्टम भी आ जाते हैं किसी के अंदर, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो इनकम ग्रुप है उनके साथ ज़्यादा इनकम वाले को ज़्यादा रिसोर्सेज, कम इनकम वाले को कम रिसोर्सेज, ठीक है। और ठीक है, पॉलिसीज बेस्ड ऑन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड ठीक है इथिकल कंसिडरेशन, बस ये चार ही पॉइंट मेन है, पांचवे का आप हटा सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये चार पॉइंट आपको इथिकल में, यानी कि इथिकल कंसर्न में, बिहेवियरल इकोनॉमी में हमको क्या लिखना है कि जो रूल्स रेगुलेशन बने, जो इकोनॉमिक की स्टडी हो वो इथिकल कंसर्न से हो, जिसके अंदर इक्विटी याद रखी जाए, प्राइवेसी ब्रीच न किया जाए, पेरेंटलिज्म न हो, और क्या ना हो इसके साथ, मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ द सोर्सेज, मैनिपुलेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग न हो, उसको बेस्ट और जो चीज़ है जिस तरीके से है बताई जाए, ठीक है। कभी नहीं बता रहा कि उसको, जैसे कि विमल खाते हुए नहीं बोल रहे कि इसको खाने से कैंसर होगा, नहीं, एक हल्की सी फ्रैक्शन एक आ गया कि हाँ टबे को खाने से कैंसर, इंजूरियस टू हेल्थ, फिर तो भाई इसको पियो, मेक इट लार्ज, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, थोड़ी इधर की बातें हुई लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल सूट हो रहे थे इसलिए मैंने रेस किया, ठीक है। जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।